हेलो एवरीवन वन होप यू ऑल आर डर सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट इज रोल ऑफ लिटरेसी रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है जी तीनों का अलग अलग क्या रोल होता है ग्लोबल पीस में मतलब हमारे देश में शांति बनी रहे वायलेंस ना हो प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स उसको बचाने में तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए लिटरेसी एक्चुअल में क्या होता है लिटरेसी होता है किसी भी चीज़ में आपकी प्रोफिशेंसी या कहते हैं किसी बंदे की एबिलिटी कि वो कैसे उस चीज़ को लिखता है बोलता है सुनता है ठीक है जी और रीड करता है एंड यूजिंग द नंबर्स थ्रू आउट द लाइफ मतलब किसी भी बंदे की जैसे एबिलिटी होती है ना कोई अच्छा सुन सकता है कोई अच्छा लिख सकता है कोई अच्छा बोल सकता है ठीक है तो ये सब चीज़ें जो हमें हेल्प करती हैं कम्युनिकेट करने में एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड उस चीज़ की सेंस बनाने में जो हेल्प करे उसको हम लिटरेसी बोलते हैं तो देखिए जी अब जो लिटरेसी है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे कैसे काम आएगी लिटरेसी जो है जैसे कि कोई प्रोफिशेंट है उस चीज़ में ठीक है उसकी वो एबिलिटी है अच्छा है, एबिलिटी है उसमें उस चीज़ को लिखने की बोलने की तो वो क्या है एम्पावरमेंट में हेल्प करेगी लिटरेसी का रोल है इम्पावर करने ने करने में सबको अपने राइट्स के बारे में बताने में ठीक है जी कैसे भी हो सकता है थ्रू मीडिया और एनीथिंग देन हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए जी अगर किसी में प्रोफिशंसी है मतलब प्रॉपरली उस पर्सन की डेवलपमेंट है तो वो क्या है एक तरह से हार्ट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ताकि वो मतलब हेल्प करेगा वो इंसान कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज को बचाने में दूसरों को मोटिवेट करेगा अवेयर करेगा ठीक है टू इम्प्रूव द पॉवर्टी पॉवर्टी इम्प्रूव करने में भी लिटरेसी बहुत ज़्यादा क्या है हेल्पफुल होगी इन तीनों में ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है तो वो पॉइंट्स आप निकाल के रख लो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जैसे पिछली बार क्वेश्चन था लिटरेसी और डेमोक्रेसी में आया था मे बी इस बार ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी में आ जाए ठीक है यू नेवर नो इम्प्रूविंग द फैमिली हेल्थ लिटरेसी काम करती है अगर मीनिंग समझ आ गया तो वो कैसे हेल्प करेगी वो भी इजीली आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की मतलब इंसान है वो पार्टिसिपेट करेगा प्रॉपरली इनलिटी फटर्निटी हर एक चीज़ में इक्वालिटी होगी चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो पॉलिटिक्स हो कुछ भी हो प्रोटेक्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ठीक है जी देन बूस्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करेगी फोकस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट इसे कम्युनिटी भी डेवलप करेगी इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स एंड अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट ठीक है ये लिटरेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था अब लिटरेसी ग्लोबल पीस में कैसे हेल्प करेगी ग्लोबल पीस मीन्स राउंड द वर्ल्ड वायलेंस नहीं होनी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा सारा वर्ल्ड है ठीक है ये एक क्या है विलेज की तरह है हमें इसको प्रोटेक्ट करना है बायर रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्किल्स एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेसी ठीक है प्रमोट करना है नॉन वायलेंस को नॉलेज अबाउट इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू वायलेंस अगर आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो तो आपको क्या है उस चीज़ की नॉलेज मिलेगी अबाउट द इश्यूज कि क्या मेन इश्यूज है जिस वजह से वायलेंस हो रहा है अवेयरनेस अबाउट आर राइट्स एंड ड्यूटीज ठीक है एंड रीड द व्यूज़ अबाउट ग्लोबल पीस जो लोगों के व्यूज़ हैं ग्लोबल पीस को लेके वो आप पढ़ोगे आपको भी अवेयरनेस होगी आप भी क्या है ग्लोबल पीस में पार्ट लोगे सिंपल से पॉइंट्स चाहिए ठीक है जी अब ये लिटरेसी हो गया है डेमोक्रेसी तो देखिए जी डेमोक्रेसी क्या होता है डेमोक्रेसी होता है वो रूल जो हम लोग बनाते हैं जैसे सरकार बनाते हैं हम लोग ठीक है हमारे द्वारा ही बनाई जाती है हमारे लिए ही बनाई जाती है वो होती है डेमोक्रेसी ठीक है तो अभी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल पीस में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे ठीक है कोई भी मतलब झोल झाल नहीं होगा प्रॉपर इलेक्शंस होंगे फेयर प्ले होगा ठीक है इंडिपेंडेंट मीडिया होगी किसी के दबाव में आके मतलब मीडिया का यूज़ नहीं किया जाएगा कि हाँ जी इस पार्टी को ज़्यादा हम फेवर करेंगे इस पार्टी को नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी ठीक है जी देन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सभी पार्टिसिपेट करेंगे सबको राइट टू वोट होगा इक्वालिटी होगी चाहे वो एजुकेशन में हो वोटिंग में हो किसी भी चीज़ में हो इम्पावरमेंट की बात तो सब में की जाती है ठीक है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मैनेजमेंट में कि जो चीज़ चल रही है मैनेजमेंट में वो ट्रांसपेरेंट हो पता हो दूसरे को ऐसे नहीं छुपा छुपा के करना है फेथ इन द टॉलरेंस गुड सिटीजनशिप इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटीज ठीक है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए स्प्रेड ऑफ़ एजुकेशन एजुकेशन स्प्रेड अप होनी चाहिए एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पोलिटिकल ओपिनियन कि जो पॉलिटिक्स का ओपिनियन है उसको भी प्रॉपर इम्पॉर्टेंस मिले इंपॉर्टेंस नहीं मिलती इसी वजह से तो वॉयेंस होते हैं ठीक है थीके? तो ये मेन रीजनज हैं तो अब आते हैं रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पीस अब कुछ हमारे राइट्स हैं राइट टू इक्वेलिटी ठीक है राइट टू फ्रीडम राइट टू स्पीक ठीक है ये सब चीज़ें अब हमें इतने राइट्स मिले हैं तो हम उन राइट्स को मतलब वो राइट्स हमारे कैसे हमारे रिसोर्स को बचाने में हमारे इन्वामेंट को बचाने में और ग्लोबल पीस लेके आने में हेल्प करेंगे ठीक है जैसे हमारे पास राइट्स हैं तो हम ग्लोबली थिंक कर सकते हैं मतलब हमारे देश के लिए हम क्या अच्छी चीज कर सकते हैं हम क्यों ना उसमें योगदान डालें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ठीक है प्रैक्टिसिंग पार्टिसिपेशन प्रॉपर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर एक सिटीज़न की सोशल प्रोटेक्शन सोसाइटी की प्रोटेक्शन में हम क्या है कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट हम अपने राइट्स को यूज़ करके अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गुड हेल्थ एंड सैनिटेशन दे सकते हैं सबको इम्पा इम्प्लॉयमेंट राइट सबको होते हैं कि सबको जॉब्स मिलनी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं देखो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है लोग टेररिज्म वगैरह की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो क्यों ना इम्प्लॉयमेंट राइट right सबके पास होते हैं तो सबको जॉब्स दी जाए ठीक है लेबर राइट्स right सबके पास हैं केयर एंड फैमिली लीव सबको मिलनी चाहिए सोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखना है ठीक है सबको बराबर लेके चलना है एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज राइट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप रिसोर्सिस को ऐसे ही मतलब फालतू में यूज करो नो उनका प्रॉपर यूज करना है एंड एजुकेशन टू ऑल ये सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है जी आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल अच्छे से ठीक है तो बस आपने सिंपल से एक बात करनी आपको पॉइंट्स मिल गए हैं तो इसको इलेबोरेट करके आपको जो लगता है जो आपके व्यूज हैं आपने इसमें लिखने हैं ठीक है सेवन टू एट पॉइंट्स हर एक के हैं तो आपका इजिली आंसर ट्वेल्व मार्क्स में कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है जी एंड आई होप टूडेज़ वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ वन फॉर गेट यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच